तोता और मैना बनी सौतन और सहेली। तोता राम और उसकी पत्नी मीठी जंगल के सबसे खूबसूरत झोड़ों में से एक थे। जब वो साथ में जंगल में उड़ते थे तो सारे पक्षी बस उन्हें देखते ही रह जाते थे। सारे जंगल में तोता राम सबसे ज्यादा सुंदर, मीठी आवाज वाला और तेज दिमाग का पक्षी था। और तो और, तोता राम चील राजा का भी खास मुंशी था, इसीलिए वो काफी अच्छा खासा कमा भी लेता था। अरे रुकिए, जरा आपकी नजर तो उतार लूं। जंगल में हर किसी की नजर बस आप पर ही रहती है। अरे तुम भी ना मीठी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कोई तुमसे चुरा लेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात आप मजाक में भी मत करिएगा। अगर आप मुझसे दूर हो गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी जी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। ये लीजिए आपका टिफिन, आपकी पसंद की हरी मिर्च की चटनी बनाई है, याद से खा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे तोता राम, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? बस मौसी, काम को जा रहा था। आज राजा जी दौरे पर गए हुए हैं तो सारा काम मुझे ही देखना है। तुम कितने होशियार हो तोता राम, तुम जैसा पति पाना तो किस्मत की बात है सच में। वो तो है, इस जंगल में मुझ जैसा होशियार और सुंदर कोई और भी तो नहीं मौसी। सच कहा, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी चिंता होती रहती है। मेरी चिंता? पर क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मौसी। अरे खाक ठीक हो तुम? तुम जैसे होशियार और खूबसूरत नौजवान को तो सबसे सुंदर और दिल जीतने वाली लड़की मिलनी चाहिए थी, पर तुमने तो मीठी से शादी कर ली। अब उसकी तो उम्र हो चली है। क्या वो मेरे साथ अच्छी नहीं लगती मौसी? बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी तक वैसे के वैसे ही दिखते हो और वो अब आंटी लगती है। तुम्हें तो अब किसी खूबसूरत हसीना से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं मीठी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा कैसा, मीठी को तुम घर से थोड़ी निकाल रहे हो, बस अपने लिए नया हम सफर ला रहे हो। पर ऐसा खूबसूरत कोई मिलना भी तो चाहिए, है ना मौसी? मेरी बहन की बेटी है मनाली, वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे देखता ही रह जाएगा बस। अच्छा, अभी तो मुझे काम है, मैं आपको सोच कर बताता हूँ मौसी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम सोच लो फिर बताना, तो मैं तुम्हारी और मनाली की बात चलाऊंगी। अरे आप आ गए, कैसा रहा आपका दिन? ठीक था। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राजा जी के दरबार में अगले हफ्ते महफिल लगने वाली है, सबको अपनी पत्नियों के साथ आमंत्रण दिया गया है। अरे वाह, हम दोनों साथ में चलेंगे, मजा आएगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं जाऊंगा, तुम अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? सही कह रहा हूँ, मैं मैना मौसी की बेटी मनाली से
दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़कर? मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, पर मुझे अब एक जवान और खूबसूरत साथी की जरूरत है। एक उम्र के बाद तो सबकी जवानी ढल ही जाती है जी, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे छोड़ दें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रहना है तो रहो यहाँ, नहीं तो। नहीं नहीं जी, मेरे पास तो कोई और घर भी नहीं है जाने को, मैं यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी। ठीक है, मैं कल मनाली को ब्याह कर यहाँ ले आऊंगा, तुम हमारे स्वागत की तैयारी कर देना। ठीक है जी। मीठी पूरी रात रोती रही और अपने पति के साथ बिताए उन हसीन लम्हों को याद करती रही। ये लीजिए आपका कुर्ता और सहरा, ये आप पर काफी अच्छा लगेगा जी। हाँ, मुझे आज सबसे बेहतरीन लगना ही है। आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं जी। वो तो है, अब मैं चलता हूँ, मनाली को ले आता हूँ। ठीक है। तोता राम मनाली को ब्याहने जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरी शान में तो चार चांद लग जाएंगे। मैंने कहा था ना, देखते ही रह जाओगे बस। हाँ, तोता राम मनाली को ब्याह कर अपने घर ले आता है, जहां मीठी उसका स्वागत करने को तैयार थी। मीठी दोनों की आरती उतारते हुए, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो सच में। मैंने कहा था ना, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है ये जी। अब अगले हफ्ते तैयार रहना महफिल में चलने के लिए मनाली, सबको दिखाना है कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। जी ठीक है। अरे वाह, कितनी अच्छी तैयारी की है सच में। हाँ बहुत अच्छा है ये तो, और देखो तो जरा कितनी सुंदर सुंदर हसीनाएं आई हैं यहाँ, कितनी खूबसूरत लग रही हैं सब। आपकी दो दो इतनी सुंदर पत्नियां होते हुए भी आप इन्हें देख रहे हैं? तुम दोनों इनके मुकाबले कुछ भी नहीं लग रही, और मैं मर्द हूँ, जितनी चाहे पत्नियां ला सकता हूँ, समझी? तोता राम की ऐसी बातें मनाली को चुभ गई थी। वो दुखी होकर मीठी के पास आती है और अपने मन की बात कहती है। हम औरतों का पूरा जीवन बस अपने पति की सेवा में ही गुजरता है, और इन पतियों का बस हसीनाओं से प्यार जताने में। दीदी, पर हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, इन्हें समझ आना चाहिए कि हम कोई जरूरत की चीज नहीं है, जिसे जब चाहा उपयोग कर लिया और जब चाहा बदल लिया। पर हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ तो करना ही होगा। अरे ये क्या, घर पर कोई नहीं है, दोनों कहाँ चली गईं? कुछ वक्त बाद दोनों हंसती हुई बाहर से वापस आती हैं। कहाँ गई थी तुम दोनों? अरे हम मेले गए थे, वहाँ कितने सुंदर सुंदर नौजवान थे, है ना दीदी? हाँ, उनकी चोंच एकदम लाल टमाटर जैसी, और चाल का तो पूछो ही मत। कल हम फिर चलेंगे उनसे मिलने। तुम दोनों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, वो भी अपने पति के सामने? इसमें शर्म कैसी, आपने भी तो खूबसूरती के लिए हम दोनों से शादी की है ना, और फिर दूसरी औरतों को भी देखते हैं। मेरी बात अलग है। आप जो करें वो सही, और हम करें तो गलत।
आज से हम भी दूसरे पक्षियों को निहारेंगे और उनसे मिलेंगे। हाँ, जैसा आप करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? जैसी आपने हमारे साथ की है। मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। हाँ, और आज से हम भी आपकी तरह खूबसूरती को दूसरों के पतियों में ढूंढेंगे। फिर आप भी खुश, हम भी खुश। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज से किसी और औरत को नहीं देखूंगा। मैं वचन देता हूँ। बस तुम दोनों भी ऐसा मत करना। अगर आप वचन देते हैं तो ठीक है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, पर जिस दिन आपने ऐसा किया हम भी पीछे नहीं हटेंगे जी। नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। मनाली और मीठी एक दूसरे को देखकर हंसती हैं और आंख मारती हैं।